एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में भोले बाबा की, सत्संग में भीड़ में दब गए। कौन है वो भोले बाबा जिनके प्रवचन में मची है भगदड़? जी हाँ, मंगलवार का दिन उत्तर प्रदेश के हाथरस में कई लोगों के लिए काल का दिन साबित हुआ। यहाँ पर प्रवचन के दौरान मची भगदड़ में कई लोग हादसे के शिकार हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों की जहाँ मौत हो गई तो बड़ी संख्या में लोग जख्मी हैं। फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है। दरअसल हाथरस के फुलरई गाँव में इस प्रवचन का आयोजन किया गया था, जहाँ पर नारायण साकार हरि का प्रवचन होना था, जिन्हें उनके अनुयायी भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। आपको बताते हैं कि कौन है ये भोले बाबा। भोले बाबा का असली नाम जो है नारायण साकार हरि है। वो एटा जिले की पटियाली तहसील के गांव बहादुर नगरी के रहने वाले हैं। 26 साल पहले सरकारी नौकरी छोड़कर प्रवचन उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने अपने प्रवचन में ही बताया कि वो गुप्तचर ब्यूरो में नौकरी करते थे। साकार विश्व हरि भोले बाबा के अनुयायी पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तराखंड में ज्यादा है। आपको आगे बताएंगे कि नारायण साकार हरि ने अचानक सत्संग कैसे शुरू कर दिया था, लेकिन उसके पहले हाथरस में हुए हादसे की अगर बात की जाए तो उसमें मरने वालों में सबसे ज्यादा बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हैं। हादसे के कारण की अगर बात की जाए तो सत्संग वाली जगह छोटी थी और भीड़ बहुत ज्यादा थी। कहीं से जानकारी ये भी आ रही कि भीड़ करीब 20,000 की थी, तो कहीं से खबर ये भी आई कि 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे और निकलने के दौरान यहाँ पर भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। अब जान लीजिए कि कौन है नारायण साकार हरि। नारायण साकार हरि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बहादुर नगरी गाँव के रहने वाले हैं। उनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई यहीं पर हुई। उच्च शिक्षा के बाद गुप्तचर विभाग की नौकरी उन्होंने की, ये उन्हीं का दावा है। काफ़ी समय तक नौकरी वो करते रहे और फिर अचानक से अध्यात्म की तरफ मुड़ गए। आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के बाद अपना नाम उन्होंने सूरजपाल से बदलकर नारायण साकार हरि रख लिया था और फिर वो पटियाली गांव में उन्होंने आश्रम बना लिया। नारायण साकार हरि और बाबाओं की तरह गेरुआ वस्त्र या कोई अलग पोशाक नहीं पहनते। अक्सर तो वो सफ़ेद सूट, टाई और जूते में ही नज़र आते हैं। कई बार कुर्ता पजामा भी पहने हुए नज़र आते हैं। साकार हरि अपने समागम में ये खुद बताते हैं कि नौकरी के दिनों में उनका मन बार बार अध्यात्म की तरफ भागता था। नौकरी के बीच उन्होंने निस्वार्थ भाव से भक्तों की सेवा का काम शुरू कर दिया और फिर ही इसी रास्ते पर वो चल पड़े। वो ये भी कहते हैं कि 1990 के दशक में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया और अध्यात्म में रम गए, प्रवचन देने लगे। बताते हैं कि समागम में जो भी दान दक्षिणा चढ़ावा आता है वो उसे अपने पास नहीं रखते बल्कि भक्तों में ही खर्च कर देते। नारायण साकार हरि खुद को हरि का शिष्य भी बताते हैं। अक्सर अपने प्रवचन में वो कहते हैं कि साकार हरि पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने भी साकार हरि को ही गुरु माना है। नारायण साकार हरि की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में अच्छी खासी पैठ भी बताई जाती है, खासकर आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, हाथरस, मेरठ और बागपत जैसे जिलों में अक्सर उनके प्रवचन और समागम भी होते रहे। नारायण साकार हरि अपनी पत्नी के साथ सत्संग करते हैं, जिसे मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम कहा जाता है। इसमें भारी तादाद में लोगों की भीड़ उमड़ती है। अब कैसे ये हादसा हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल जानकारी जो मिली उसके मुताबिक सत्संग खत्म हुआ था, एक साथ लोग यहाँ से निकल रहे थे। हॉल बेहद छोटा था, गेट पतला था। पहले निकलने के चक्कर में भगदड़ मची, ऐसा कहा गया। लोग एक दूसरे पर गिरते चले गए, ज्यादातर महिलाएं और बच्चे और बुजुर्ग थे। इस वजह से 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फिलहाल यूपी शासन और प्रशासन हादसे में हताहत हुए लोगों को तुरंत इलाज मुहैया कराने में जुटा हुआ है। आसपास के जिलों के अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब सरकार इस सत्संग के आयोजनकर्ताओं पर कार्रवाई भी कर सकती है, साथ ही उन पर भी कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने इस सत्संग के आयोजन की परमिशन दी थी। अब देखना होगा कि मामले में आगे क्या होता है।